हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी व्लॉग विद शिवेंद्र। देखिए, आज जो लेटेस्ट न्यूज़ निकल कर आई है कि बिहार सिविल जज का रिजल्ट आउट हो गया है। और सबसे पहले मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन उन स्टूडेंट्स को जो कि इसमें क्वालिफाई किए हैं, और जिन्होंने क्वालिफाई नहीं किया है, जो कुछ नंबर से रह गए हों या किसी भी कारणवश से वो रह गए हों, तो वो निराश ना हों, क्योंकि ज़िंदगी हमारी यहीं तक सीमित नहीं है, यहीं तक ख़त्म नहीं हो जाती, आगे और भी लड़ाइयाँ हमें लड़नी बाकी हैं। तो थक हार कर बैठ मत जाइए, बल्कि फिर से खड़े होइए और नए जोश के साथ खड़े होइए, क्योंकि एग्ज़ाम एक आता है और दूसरा फिर एक जाता है, एक आता है। तो आप खड़े होइए, नए जोश से, नए तरीके से तैयारी करिए। देखिए कहाँ कमी रह गई। जब आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो आप यकीन मानिए कि आज अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है तो कल बेशक होगा, जरूर होगा आपका सिलेक्शन। तो अपने कमजोरियों को ढूंढिए, क्या कहाँ कमी रह गई, और उसको दूर करिए, ठीक है। और सबसे पहले मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा कि यदि आपका बिहार सिविल जज में नहीं हो रहा तो आपके पास और एग्ज़ाम बाकी हैं। यदि आपका यूपी एपीओ प्री में हो चुका है तो आप मेंस की तैयारी में पूरा फोकस करिए, या वहाँ भी यदि सिलेक्शन नहीं हो पाया है तो भी कोई बात नहीं, यदि पीसीएसजे की वैकेंसी, यूपी पीसीएसजे की वैकेंसी आने वाली है, कभी भी उसका नोटिफिकेशन आ सकता है, ये नवंबर तक आ सकता है या लास्ट उसके आ सकता है, ये कभी भी आ सकता है, चाहे जब आ जाए। तो उसका वेट न करते हुए उसकी तैयारी में जोर शोर से आप लग जाइए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग जो हैं अपने चैनल पर अभी फ़िलहाल तीन पेपर हमारे स्टार्ट हैं, ठीक है। ज्यूरिसप्रूडेंस, टीपीए, कॉन्ट्रैक्ट, ये तीन पेपर मैं लेकर चल रहा हूँ। ज्यूरिसप्रूडेंस जिसमें है, ये पेपर मैंने कंप्लीट कर दिया है ज्यूरिसप्रूडेंस। टीपीए मैं पढ़ा रहा हूँ, और कॉन्ट्रैक्ट जो है ये ज्ञान सर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ये ज्ञान सर के द्वारा पढ़ाया जा रहा है कॉन्ट्रैक्ट। ये दोनों पेपर जो है मैं पढ़ा रहा हूँ। ज्यूरिसप्रूडेंस कंप्लीट हो गया, टीपीए आपका चल रहा है। ज्यूरिसप्रूडेंस इसमें से कोई पेपर या तीनों पेपर आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्यूरिसप्रूडेंस भी ज्वाइन करते हैं, पेपर लेते हैं, तो ये भी आपको पूरा मिलेगा। लेक्चर के साथ आपको पीडीएफ भी मिलेगी, ठीक है। और अधिक जानकारी के लिए आप मेरे मोबाइल नंबर 8840679353 पर कॉल कर सकते हैं, या व्हाट्सएप कर सकते हैं, या कोई भी क्वेरी हो आप मुझे व्हाट्सएप से या कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद आप, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, शिवेंद्र लॉ स्टडी के नाम से ये ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आप यकीन मानिए, अगर एक बार आपने इन तीनों में से कोई भी वीडियो देख ली तो आप ज्वाइन किए बिना नहीं रहेंगे। डेमो के रूप में मेरा वीडियो मेरे लेक्चर यहाँ पर मेरे चैनल पे पड़ा होता है, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं, ठीक। तो इतनी चीज़ें मुझे बतानी थी, और यदि कोई भी दिक्कत होती है या इनके पेपर्स के बारे में जानकारी चाहिए तो भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और एक चीज़ और, कि जो कोई यूपी एपीओ मेंस देने जा रहा है और उसको पुलिस एक्ट की आवश्यकता है तो वो मुझसे संपर्क कर सकता है। हालांकि मैंने प्री के हिसाब से पढ़ाया है, फिर भी वह पुलिस एक्ट आपको मेंस में भी काम कर जाएगा, पूरा का पूरा काम कर जाएगा, ठीक है। और पूरा अच्छे से मैंने एक एक सेक्शन को समझाया है। तो इतनी चीज़ें मुझे बतानी थी, ठीक है। तो बस, अब आगे कोई भी क्वेरी रहेगी आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।